एवरीवन, ये जो पीछे देख रहा है ना पानी, ये वेणु वन का इलाका है, इसको वेणु वन कहते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है राजगीर। वैसे गर्मी में घूमने वाला जगह नहीं है, बट यहाँ आके बड़ा ही ठंडक और अच्छा फील हो रहा है। ये वेणु वन महात्मा बुद्ध को किसने दिया, क्यों दिया, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक बार इसकी खूबसूरती को निहार लीजिए, फिर बात करेंगे और यहाँ कैसे आते हैं, कितना टिकट लगता है, फलाना ढिमाका ठिमाका सब मिलेगा। गजब तरीके से कमाल का बना हुआ है सच में, ये बात है। वो मैंने पहले भी नहीं देखा था और आज आपको हम ये वेणु वन दिखा रहे हैं। बीपी की दिक्कत है ना, एक्यूप्रेशर जिसको चाहिए भाई, वो इसी रास्ते पे चलना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। यार आज सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है बैटरी बैकअप को लेके एकदम रोना हो रहा है। पावर बैंक मेरा छूट गया है। खैर चलो, ये बंद हो जाएगा तो हम लोग देख नहीं सकते। What a scene! देखिए कितना खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती अभी बढ़ेगी, इतने पे ये नहीं रुकेगी। देखो कितने अच्छे से इसको सजाया गया है। ये वेणु वन है, इसका इतिहास चलिए देखते हैं, कुछ जगह मिलेगा तो वहाँ पर गप मारेंगे। ये वेणु वन है, इसके इतिहास की बात करें, बिंबिसार के द्वारा महात्मा बुद्ध को ये दिया गया था ताकि वो रेनी सीजन में यहाँ ठहर सके। कई सारे राजा महाराजा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, वो महात्मा बुद्ध को ऐसे देते थे। जैसे आम्रपाली ने आम्रवन दिया, घोसीताराम में घोसीताराम विहार दिया, उसी तरह से बिंबिसार ने दिया। और बिंबिसार इनके दोस्त भी थे महात्मा बुद्ध के, और उनके मित्र भी थे और उनके शिष्य भी थे। तो वो इन्होंने इसको दिया है और इसको अब सरकार के द्वारा डेकोरेट किया गया है बहुत ही सुंदर तरीके से। तो चलिए हम लोग वेणु वन को देखते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से, कितनी बारीकी से, कितने मतलब गजब तरीके से इसको बनाया गया है। और आइए आपको काफ़ी नज़दीक से हम दिखाते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है ये। बस आप जस्ट इसको एंजॉय कीजिए, एक स्लो म्यूज़िक के साथ आप इस वेणु वन को एंजॉय कीजिए बस। हरियाली बहुत ही ज़्यादा हो गई है पहले से, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। एक्चुअली मैं जब आया था तो ये बन रहा था, अब ये बन चुका है। इसके बनने के पहले भी मैं यहाँ आ चुका हूँ, तो चूँकि हरियाली तो हमेशा रहती है तो खुशनुमा जगह तो ये है ही है अपने आप में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप देख रहे हो कमल के फूल के साथ पिक्चराइजेशन, देखिए कितना अच्छे से बनाया गया है। एक वाइड एंगल, इसका एक वाइड एंगल दिखाते हैं और भी खूबसूरत लगता है। तीन परसेंट बैटरी इतना तेज गिर रहा है ना, सबसे बड़ा दिक्कत ये है मेरे पास।
दिखा रहे हैं चारों तरफ, देखिए मेंटेनेंस भी काफ़ी अच्छा है, लाइट भी बड़ा ही खूबसूरत लगाया गया है, फूल भी बहुत अच्छा है, कुल मिला के यहाँ सब कुछ बढ़िया है, कुल मिला के पूरा पैसा वसूल है। हमारे पास तो थोड़ा टाइम कम है, अदरवाइज़ यहाँ पे 2-3 घंटे आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे लगातार मेंटेनेंस का काम भी किया जा रहा है। ओ झूला, हर्ब गार्डन अलग अलग भांति भांति के पेड़ पौधे और हर्ब्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पे मेडिटेशन का काम किया जाता है। वो दिया है उधर जाने का रास्ता, यहाँ से है कि बंद हो गया वो मंदिर जो है, अब किधर से घूम के जाना, पर पहले इधर से ही निकल जाते थे, एक थाई मंदिर है ना कोई करके उधर, बट अब नहीं जा सकते उधर, बंद हो गया। तो आपको इस वेणु वन का सफ़र कैसा लगा? इधर वॉशरूम की सुविधा है तो वॉशरूम भी जाया जा सकता है, गर्मी इतनी है ना कि पानी सीधे उड़ जा रहा है, 5 मिनट जाने की ज़रूरत ख़त्म, बन ही नहीं रहा है जो जाए। तो होपफुली कि आपको वेणु वन का ये ट्रिप अच्छा लगा होगा, मुझे तो बड़ा मज़ा आया यार, रियली दिस इज ऑसम। ये नया बनाया हुआ खूबसूरत रास्ता, एक्यूप्रेशर, जिसको बीपी की दिक्कत है ना, एक्यूप्रेशर जिसको चाहिए भाई, वो इसी रास्ते पे चल रहा है, और इस रास्ते पे चल के इतने खूबसूरत जगह पे आप पहुँचेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। दूसरा खूबसूरत जगह ये है, यहाँ भी आ सकते हैं, और ये तो है ही खूबसूरत। चलिए आपको खूबसूरत जंगल दिखाते हैं, इधर से उधर से, मतलब कमाल का आज आपको वेणु वन मैंने दिखाया है, मैंने इसके पहले खुद भी नहीं देखा था, जो सही बात है वो मैंने पहले भी नहीं देखा था, और आज आपको हम ये वेणु वन दिखा रहे हैं, कमाल का बना हुआ है सच में, इसलिए अंदर से एनर्जी नहीं आ रही है, नहीं तो ये बिल्कुल ऑसम, बहुत ही शानदार होगा। वेणु वन बिहार के राजगीर में है, और राजगीर पटना से लगभग 95 किलोमीटर दूरी है। आप राजगीर का जो कुंड है उसके पास ही वेणु वन है, 6 AM to 6 PM के आसपास की टाइमिंग है, 20 रुपीज़ एंट्री फी है, पार्किंग चार्ज भी 50 रुपीज़ है, तो आप आराम से 2 घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर इसको घूम